نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما أتشار سبسي سب मैं आज एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि बहुत से बच्चे मुझे जो क्वेश्चन भेजते हैं उन क्वेश्चन से मेरे अपनी भी बहुत सारी लर्निंग होती है और मैं ये चाहती हूँ कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो कि बाकी लोगों के साथ भी शेयर किए जाएं तो उन बच्ची जिन्होंने मेरे साथ सवाल किया वो उनकी इजाज़त से मैंने आ, सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि तो वो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं उसको ताकि आप लोगों की आप लोग भी उससे फायदा उठा सकें तो जो उनका सवाल था मैंने उसको बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड किया तो जो पहला पार्ट था उनके सवाल का वो ये था कि हम कैसी जिंदगी गुजारें के बुढ़ापे में हमें थोड़ा सा यकीन हो कि अल्लाह सहन तम हमसे खुश हैं तो इस बात का ख्याल रखें इस बात को याद रखें कि बुढ़ापे का इंतजार ना करें हम जिंदगी हर हर सेकंड गुजार रहे हैं हमें नहीं पता कि हमारा वक्त किस वक्त आ जाएगा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन दूसरी साइड से बंद हो गया यस रही है। ओके। तो हमें नहीं पता कि ऐसा वक्त कब आ जाए कि हमारा टाइम अप हो जाए तो इसलिए ज़रूरी ये है कि हम आज और अभी इसी वक्त ये चीज स्टार्ट करें कि हमारी जिंदगी कैसी गुजरनी चाहिए अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम फौरन माफ़ी मांग लें और हम इस चीज़ का असल में ज्यादातर हमारे यहाँ इस चीज़ आ, के बारे में ये बड़ा कॉमन है हमारे यहाँ कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा बुढ़ापे में जाके हज कर लेंगे बुढ़ापे में जाके जो है इबादत शुरू कर देंगे जब हम अपने बाकी कामों से फारग हो जाएंगे हमने ये नहीं सोचना हमने आज और अभी स्टार्ट करना है क्योंकि हम अपने इर्गिर्द देखते हैं कि अगेन बड़ी स्क्री बात है कि कबर हर साइज की होती है छोटी भी कबर होती है दरमिया साइज की भी कबर होती है बड़े साइज की भी कबर होती है कबर हर साइज की होती है तो हमें नहीं पता कि हमारा वक्त कब आ जाए इसलिए ज़रूरी ये है कि हम आज और अभी इसी वक्त स्टार्ट करें और अगर आप इस्लाम के अहकाम देखें ना तो इस्लाम में बूढ़े और जवान में कोई फ़र्क नहीं है ये नहीं है कि जवानों के लिए कोई अलहदा ऑर्डर्स हैं और बूढ़ों के लिए कोई अलहदा ऑर्डर्स हैं तो ये चीज़ याद रखें कोई गलती हो गई है फौरी माफी मांग लें या अगर कोई अच्छी ऑपरचुनिटी नजर आई है किसी की मदद करने की कॉलेज में स्कूल में ऑफिस में यूनिवर्सिटी में या इवन शादी हो चुकी है और आपके इर्द गिर्द लोग हैं तो पहल करें लोगों के साथ खैर करने में लोगों के लिए आसानियां करने में इन चीजों को याद रखें कि हमारा वक्त कभी भी खत्म हो सकता है और हमने आज एक्ट करना शुरू करना है पहली चीज ये वैसा आप कुछ पूछना चाह रही है आवाज बहुत अटक अटक के आ रही है बेटा इंटरनेट आप चेक कर लीजिए अपने साइड से बाकियों को भी इस तरह का है इशू नो मैम क्लियर आ रही है ओके okay. अच्छा फिर उन्होंने जो उनके सवाल का दूसरा पार्ट था वो ये था कि अल्लाह सुबहान तला ने हमें सिर्फ अपनी इबादत के लिए नहीं पैदा किया जैसा कि हमने हम अपने हमें बार बार कहा जाता है कि हम इर्द गिर्द जो मौजूद कायनात है इस पर गौर वफिक करेंगे यानी कि हमें अपने इल्म बढ़ाने की जरूरत है तो इसमें मैं एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगी बेटा कुरान में अल्लाह सुबहान साफ लिखा है व मा खलकन्ना वबदून और मैंने नहीं पैदा किया जिन्हों और इंसानों को मगर सिर्फ इसलिए कि वो मेरी बंदगी करें, मेरी इबादत करें। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमें ये समझना है कि अब का मतलब क्या है ठीक है हमें ये चीज़ गौर से सुनी देखिए अब्द का मतलब अगर आप लोग भी ये ये जो इबादत वर्ड है या अब्द है या याबदून है जो लोग अगर अरबी ग्रामर से वाकिफ होंगे थोड़ी बहुत तो उनको इस चीज का अंदाजा होगा कि अरबी में एक रूट वर्ड होता है जैसे जैसे ये अब्द है तो ऐन बा दाल अब्द है और इसी से या का अबदून ला ना ये सारे लफ्ज जो है इसी से निकलते हैं इसका मतलब है स्लीव गुलाम या सर्वेंट और ये अल्लाह का गुलाम होना ये एक वो मुकाम है जो कि दुनिया के तमाम बड़े स्टेटस से बड़ा है कोई बादशाह उसके इक्वल नहीं आ सकता दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर उसके इक्वल नहीं आ सकता अगर आप अल्लाह के गुलाम अल्लाह ताला अगर आपको अपना अब्द बना ले ये दुनिया का सबसे ऊंचा मुकाम है तो ये चीज और गुलाम कौन होता है हमें सबको पता है कि वो जो कि हर वक्त हाजिर रहता है लब्बे कहने के लिए जो हुक्म आया उसको एज इट इज करने के लिए तो हमें पैदा ही अल्लाह तआला की इबादत के लिए या हम, असल में अ, मैं उ, समझ सकती हूँ हमारे यहाँ ना इबादत से मानी जो है वो सिर्फ ऑब्लिगेटरी जो हमारी इबादत है उनसे लिया जाता है कि जी इबादत का मतलब इबादत का रकमी मायने अगर देखा जाए तो सिर्फ यही है कि आपने नमाज पढ़ी या रोज़े रखे या नवाफिल पढ़े या चैरिटी की या जकवा़त दी हमारा ज़्यादातर इसी चीज़ के अगर हम सोचें तो इस मायने में सतई मानी में ही इसको लिया जाता है लेकिन असल मानी है कि वो यानी कि गुलाम यानी कि आप हर वक्त चौबीस घंटे ट्वेंटी फोर सेवन आप अल्लाह सुबहान के सामने हाजिर हैं और जो हुक्म आपके पा, हमारे पास आए हम उसे कबूल करें और उस पर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करें इसके लिए जरूरी क्या है कि हम अपनी जो इन, इन तीन चीजों को याद रखिए एक ये कि हम अपने ऑब्लिगेटरी एक्ट्स जो हमारे फराइज हैं तोहीद नमाज रोजा हज जक़ात इसके बारे में कभी भी लापरवाही ना बरतें नमाज का वक्त हो गया है कोशिश करें उसी वक्त पढ़ लें या उस वक्त के अंदर अंदर नमाज मत छोड़ें हज का अगर आपके पास वसाइल हैं तो फौरी हज करें अपनी बुढ़ापे का इंतजार मत करें बहुत से यहाँ पे मतलब मैं हरम में देख हूँ बहुत से लोग बड़े यंग कपल्स शादी के फौरन बाद आकर हज कर रहे होते हैं कुछ लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं जो बच्चियां बालिग हो गई हैं उनको हज करवाते हैं कि जी इन पे हज फर्ज हो हो चुका है हमारे पास इस्तात है और हम हज कर रहे हैं इसलिए इस वक्त इंतजार ना करें कि जब जरा एज गुजर जाएगी बच्चों की शादियों से फारिग हो जाएंगे और ये सारे जो हमारी जिम्मेदारियां असल जिम्मेदारियाँ ये नहीं है असल जिम्मेदारी ये है जो हमारे फराइज हैं। जी फिजा आप कुछ पूछना चाह रही अगर बच्चों के पास पैसे ना हो तो वो क्या करें नहीं वो तो इस्तात पे है बेटे अगर आपके पास अपने पास पैसे नहीं है इंसान के पास तो फिर तो आप फर, फर्ज ही नहीं है फिर तो हज फर्ज फर्श तो साहिब इस्तात यानी कि जो भी अफोर्ड कर सकता है चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो फिजिकली हो कि भाई वो ऐसी कोई उसको बहुत ही बुरी बीमारी नहीं है कि वो हिल नहीं सकता जो भी ये चीजें अफोर्ड कर सकता है किसी भी तरीके से उस पर हज फर्ज है ठीक है तो अपने फराइज के ऊपर ये याद रखें कि ये चीज पूरी रहनी चाहिए इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए दूसरी बात कबीरा गुनाहों से बचें क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे में तुम्हारे माफ कर दूंगा इसलिए कबीरा गुनाहों से बचें और इसके बारे में जैसे कि एक हदीस में आता है कि सात गुनाह ऐसे हैं जो कि इंसान को क्यामत वाले दिन जो है ना वो बिल्कुल ही तबाह कर देंगे एक मफहूम बता रही हूँ उनमें कौन कौन से हैं कि अल्लाह सुबहान तौला के नबी नबीम ने फरमाया कि अल्लाह सुबहाना तै के साथ शर्क ना किया जाए पहली चीज दूसरा जादू करना ये बड़े गुनाहों में से है तीसरा किसी भी इंसान को बगैर हक के कत्ल करना इसके ऊपर हमने बात भी की थी आपको याद होगा जो अल्लाह सुबहान नसीहत थी उसमें भी ये आया था यानी कि कोई जिहाद है या कोई इस तरह का कहसास का मामला है तो बात और है लेकिन इसके अलावा किसी भी जान को इट्स नॉट ओनली मुसलमान किसी भी जान को बगैर किसी वजह से कत्ल करना अच्छा इसके साथ साथ किसी यतीम का माल खाना ये बहुत बड़े गुनाहों में है बड़े गुनाहों में से आता है ये हमारे यहाँ चचा वगैरह बहुत ही कॉमन है सबको नहीं कह रही ऑब्वियसली लेकिन रिश्तेदार करीबी रिश्तेदार जो है कई दफा मामू चाचा ताया फुपो खाला कोई भी बहुत करीबी होते हैं वो और वो आपका जहां वाल का इंतकाल हुआ तो बच्चों के माल पे उसके कारोबार पे कब्जा कर लिया जाता है ये बहुत ही कॉमन है ये कबीरा गुनाहों में से है अच्छा इसके साथ साथ सूद खाना ये बहुत कबीर बड़े गुनाहों में से है जिहाद अगर चल रहा है बैटल फील्ड से भाग जाना कबीरा गुनाहों में से है और जो हमारे यहाँ आप इतना कॉमन है जो लास्ट है वो ये कि किसी पाक दामन औरत के ऊपर इल्जाम लगाना ये ये कबीरा गुनाह में ये वो गुनाह है जिन जो कि तबाह कर देंगे क्यामत वाले दिन और हमारे यहाँ तो कॉलेज में अगर कोई लड़की लेट एंटर हो रही है ना तो उसी वक्त आईब्रोज और कोनिया चलनी शुरू हो जाती हैं कहाँ से आ रही हूँ क्लास खत्म हुए हुए इतना टाइम हो गया तुम कहाँ थी एक दूसरे से बात अच्छा मैंने उसको उसको साथ देखा था खड़े हुए ये बातें तो हम लोग इस तरह मुंह से निकाल देते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है ये तो कोई बात ही नहीं है फला का फला से अफेयर चल रहा है उस लड़कों पे भी इल्ज़ाम लगा देते हैं क्यों उनकी भी उसी तरह इज्जत होती है और लड़कियों पे भी और ये वो गुनाह है जो कि कयामत वाले दिन इंसान को बर्बाद कर देंगे तो हर वक्त इंसान जो है अल्लाह सोल्ला के अब अपने आप को इस चीज का कॉन्शियस रखे कि इन गुनाहों से बचे और इसके साथ साथ इस चीज़ का इस चीज़ को जानने की कोशिश की जाए कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि अल्लाह तआला को महबूब है जैसे कि कुरान में बार हाँ आता है अल्लाह अल्लाह युहबुलम्तीन हाँ क्लीन जो रहते हैं जो ताहिर रहते हैं पाक रहते हैं उनको पसंद करते हैं जो तौबा करने वाले हैं अल्लाह तआला उनको पसंद करते हैं जो सब्र करने वाले हैं अल्लाह तआला उनको पसंद करते हैं जो तकबा इख्तियार करते हैं अल्लाह तआला उनको पसंद करते हैं इन चीज़ों के बारे में अपने आप को कॉन्शियस रखना ये है अबदीयत यानी कि हर वक्त अब हमारे इर्द गिर्द इनमें से अब जैसे कबीरा गुनाह जो मैंने बताए हैं इर्गिर्द कहीं भी हो रहे हैं या अगर आपको लगता है किसी भी सूरत में हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं फौरन अपने आप को बचा लें यह है अब्दीत अल्लाह साल ने पैदा ही हमें से इसलिए किया है अच्छा एक और जो लास्ट पार्ट था उनके सवाल था का वो ये था कि हम इस मसरूफ़ दुनिया में अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में अपने इल्म को बढ़ाने के लिए कैसे वक्त निकालें क्योंकि जाहिर सी बात है सबके साथ सब पढ़ाई कर रहे हैं एजुकेशन मुख्तलिफ़ किस्म की ले रहे हैं और देखिए जैसे कि मैंने ये हदीस इसमें लिखी हुई है कि जो भी इल्म सीखने की राह पे निकलेगा अल्लाह सुब्हान उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे उसकी जन्नत की राह उसके लिए आसान कर दी जाएगी तो ये बात याद रखें कि आप किसी भी प्रोफेशन में हैं अव्वल तो आप अल्लाह के अब्द हैं जैसे कि उन्होंने उस वक्त मेंशन किया खासकर उस सवाल में कि एमबीबीएस जैसे अगर इंसान पढ़ रहा है तो देखिए वो मेरे नज़दीक ये तो प्रोफेशन ऐसा है जो कि इन इट इबादत है टीचिंग इन इट इबादत है अगर आप अपनी किसी भी जिंदगी दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में आप हैं आप उसको इबादत बना सकते हैं क्योंकि कुरान में आता है एक जान को बचाना ऐसा है जैसे कि पूरी इंसानियत को बचा देना तो ये प्रोफेशन तो इन सेल्फ इबादत है अच्छा अब इसमें करना क्या है कि हम अपनी मसरूफ जिंदगी में से कैसे वक्त निकालें तो मैं चाहूंगी आप लोग भी जैसे कि मैं अक्सर शेयर करती हूँ अक्सर बच्चों के साथ इस्लाम की हुए, आ, के हुए के ऊपर किसी ने ये सवाल पूछा हुआ और उन्हें बड़े अच्छे पॉइंट्स दिए हैं उनमें से कुछ पॉइंट्स में निकाल के लाई हूँ और कुछ पॉइंट मैं चाहूंगी जाके आप उसके ऊपर रिसर्च भी करें उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप अल्लाह सलोल्ला से दुआ करें कि हमारे इल्म में बरकत हो जाए हमारे वक्त में बरकत हो जाए ताकि हम अल्लाह सलो का है उनके दीन का इल्म हासिल कर सकें सबसे पहले दुआ करें आप अपनी स्टडीज के साथ साथ क्योंकि बहुत सारी आजकल तो एम बी ए लोग कर रहे हैं एम बी बी एस कर रहे हैं इंजीनियरिंग लोग कर रहे हैं और बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिसमें बहुत ज्यादा पढ़ाई है और बहुत सख्त पढ़ाई है और ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है और ये वो चीजें हैं जो जिसकी इंसानियत को जरूरत है तो हमें पढ़नी है ये फील्ड्स और अपना एज अ बेस्ट अब अपने आप को प्रूव करना है वहां पे अल्लाह का गुलाम उन फील्ड्स में रहते हुए अपने आपको बेहतरीन गुलाम अपने आपको दिखाना है दुनिया को तो सबसे पहले तो अल्लाह सब्लाना है तो इसके साथ साथ क्या करना है कि आप सबसे पहले तो अल्लाह सब से दुआ करें उनसे मदद मांगे कि यह अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दे दें और मेरे इल्म में इजाफा कर दे रबी हम जानते हैं बहुत मशहूर दुआ है इसको पढ़ते रहा करें इसको पढ़ते रहा करें दूसरी बात ये कि अपना टाइम ऑर्गेनाइज करें एक होता है ना कि कुछ लोग होते हैं वो हर वक्त उनके हाथ में किताब होती है तो पढ़ना बहुत जरूरी है लेकिन अपने वक्त को ऑर्गेनाइज करने से ये होगा कि आपका थोड़ा वक्त जो जहां पे भी आपको कोई एक एक टाइम स्लॉट अपनी जिंदगी में ऐसा रखे जहां पे आप सिर्फ दिन को दें चाहे वो पंद्रह मिनट हो चाहे वो दस मिनट हो चाहे वो आधा घंटा हो लेकिन फोकस होकर देखिए जब आप अपनी जिंदगी में ऑर्गेनाइज करते हैं ना टाइम को और आप कहते हैं अच्छा इस वक्त ये जो मैंने दस से साढ़े दस का टाइम है ना इस वक्त मैंने बस ये काम करना है अब आप बाकी का सारे काम छोड़ दें लेकिन जब दस बजे हैं तो आप बाकी सब काम छोड़ के आप वहां मौजूद हो कि मैं वो काम कर रहा हूँ इस तरीके से आप अपना काम और टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर आप अब आप खुद इस जाहिर सी बात है बेहतरीन जज हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है कई दफ़ा लोग पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे होते हैं कई दफ़ा अगर ये उन लोगों के लिए भी है जिनकी शादियां हो चुकी हैं उनके बच्चे हैं ससुराल है एक पूरा उनका रूटीन बनी हुई है लेकिन उनमें से दस मिनट या पंद्रह मिनट ऐसे जरूर निकालें जो कि फो, फोकस करके आप दीन का इल्म हासिल करने के लिए करें पंद्रह मिनट निकाले हैं उस वक्त आप बैठे और आप कोई तफसीर पढ़े जैसे कि आ, अहसनल कलाम एक बड़ी अच्छी है वो बहुत ही मुख्तर तफसीर है उसमें अदीस के साथ उन्होंने तफसीर की हुई है मैंने कई बच्चों ने मुझसे जब पूछा तो मैंने उनके साथ पिक्चर भी शेयर की हुई है अगर आपको चाहिए तो मैं आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा मैं कर दूँगी वो इतनी बेहतरीन तफसीर है कि वो सिर्फ़ अदीस से एक्सप्लेन हुआ है तो उसमें आपकी कुरान की नॉलेज भी बढ़ती है उसमें और साथ के साथ आपकी अदीस की नॉलेज भी बढ़ती है तो उसको वो आप पॉकेट साइज मिलता है और आप वो जो है लें और पंद्रह मिनट एक रुकू या अगर आपके पास रुकू का भी टाइम नहीं है दस मिनट ले थोड़ा सा टाइम निकालें चाहे आप एक आयत पढ़ें लेकिन पढ़े जरूर इसलिए क्योंकि थोड़ा थोड़ा जिसने कतरा कतरा समंदर बनता है तो ये थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें जी आमना आप कुछ कहना चाह रही है अलहमदुल्लिक वरह

लेकिन आपको ये पता होता है कि आपने अब कितने साल में ये एजुकेशन दो साल में तीन साल में ये ख़त्म हो जाएगी तो आप उसको फोकस करके पढ़ें क्योंकि वो भी एक माशरे की जरूरत है उसको फोकस करके पढ़ें उसके दौरान पंद्रह मिनट दस मिनट जो भी आप जिस तरह बात हुई है वो टाइम दें और उसके बाद फिर आप फोकस होकर एक टाइम लगाएं जिसमें आप बैठ के चीजें दीन की इल्म हासिल करें अच्छा इसके साथ साथ अब जैसे कि आपका प्रो, प्रोफेशन है अगर टीचिंग में है आप तो साथ में मिला लें दीन की तालीम को और आप साथ साथ कुछ दीन जैसे कि आप खुद तजवीज सीख लें ज्यादा टाइम नहीं लगता तीन महीने मैक्सिमम लगते हैं आपको अगर आप फोकस होके तजवीज़ सीख रहे हैं और आप साथ साथ पढ़ाना शुरू कर दें तजवीज को अगर आप डॉक्टर हैं तो अगर आप इसका इल्म ले रहे हैं साथ साथ तो उसके साथ साथ आप तिब्बे नबी की चीजें सीख सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आपके प्रोफेशन में तो आप इस चीज़ को कंबाइन कर ले दीन की तालीम के साथ ये आपको बहुत बहुत फायदा देगी हिजामा जैसे है आई डोंट नो आप लोगों में से कितने कितने को पता है जो कपिंग भी कहते हैं इसको हिजाम तो आप इसकी तालीम साथ साथ लेना शुरू कर सकते हैं और आप ये अपना प्रोफेशन बना सकते हैं तो अच्छा और जो लास्ट पार्ट है आई नो हमारा तो कुरान पढ़ने का ज्यादा टाइम उसमें से थोड़ा जा रहा है बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ जो लास्ट पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है और वो ये है कि जो भी इल्म आपको मिले कोई हदीस कोई शॉ जैसे उमर सलीमान जो है उनकी वीडियोज़ जो है बहुत छोटी होती हैं और वो बड़ी और उन्होंने डिफरेंट सीरीज उनकी निकली हुई है और वो बहुत अच्छी हैं आप ज़रूर जाके सर्च करें उमर सलेमान शेख उमर सलीमान के नाम से है तो आप वो आ, वीडियोस देखें और आपको कोई एक आज अच्छी बात या जैसे अभी आज हम ये पढ़ रहे हैं तो उनमें से जो एक आपको कोई ऐसी बात जो आपको याद रहेगी उसको फौरन अपनी जिंदगी में शामिल कर लें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे पता चला एक ख़ातून से वो मतलब वो भी कुरान पढ़ाती थी जो तो उन्होंने बताया कि वो एक दिन नमाज पढ़ने खड़ी हुई मेरे साथ तो उन्होंने जूते पहन रखे थे तो मैं इधर उधर देख रही कि अच्छा मैं जूते कहाँ उतारूँ तो उन्होंने कहा कि ये नमा जूते पहन के नमाज पढ़ना सुन्नत है मतलब आप जूते उतार के भी डेफिनेटली पढ़ सकते हैं लेकिन अलैहि वसल्लम ने जूते पहन कर भी नमाज पढ़े हैं तो इस सुन्नत को फौरन शामिल करें अपनी जिंदगी में या जैसे हम जानते हैं बैक बहुत बुरी चीज़ है अब ये हमारा चलता रहना चाहिए दिमाग में कि अब कॉलेज में बैठे हुए यूनिवर्सिटी में बैठे हुए ऑफिस में बैठे हुए घर में बैठे हुए कहीं किसी की कोई बात इस तरह की स्टार्ट हुई आप फॉरन कॉन्शियस हो जाए और आप अगर उन्हें रोक नहीं सकते तो खुद यहाँ से वहां से उठ के चले जाए लेकिन पार्ट ना बने उसका जो चीज पता चल रही है उसको अपनी जिंदगी में शामिल करें लेट सपोज घर से बाहर निकलने की दुआ है बिस्मिल्लाह तो अब आपने क्या करना है अगर आपके लिए आसान है तो आप अपने दरवाजे पे जो आप घर से बाहर निकलने वाला आपका दरवाजा है उस पर आप लिख कर लगा लें आप यकीन करें एक हफ्ते के बाद वो आपको इतनी अच्छी तरीके से याद हो जाएगी कि आप निकलते हुए खुद ब खुद पढ़ रहे होंगे ये इबादत है वापस आते हुए जो है आप वो वाली दुआ उस तरफ लिख कर लगा लें वॉशरूम में जाने की दुआ आप एक तरफ वॉल पे लिख कर लगा लें करीब ही तो आप वॉशरूम में जाने की तो ये छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में फौरन शामिल करें मतलब अब एक दुआ याद करने में इतना टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ाई के साथ आप चीजें कर सकते हैं आराम से तो एक दुआ को एक हफ्ता लगा लें दस दिन लगा लें लेकिन ये छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी में शामिल करना शुरू करें ठीक है यहाँ तक बात समझ आ गई आ गई सो मच तो ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स थी जो कि मैं चाह रही थी मुझे वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि वो माशाल्लाह अल्लाह व तआला हम सबको इतना ज्यादा इल्म के बारे में दीन के बारे में अल्लाह तआला के के करीब होने के मामले में इतना कॉन्शियस करें कि हम इस चीज़ के बारे में बैठ के बाकायदा तौर पर सोचें कि हमें क्या करना है अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे पिछली क्लास की शुर आराफ हमारी स्टार्ट हो गई थी उसकी हमने वन से ट्वेंटी एक से पच्चीस तक थिंक की थी और उसमें से जो हमारे तीन की एक्शन निकले थे वो ये थे कि हमें अपने आप को शुक्रगुजार लोगों में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए छोटी छोटी चीजों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें आपको याद होगा कि मैंने एक हदीस शेयर की थी कि नबी करीम वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स खुश शुक्र अदा करके खाता है वो वैसा ही है उसका सवाब उतना ही है शुक्र मतलब अदा करके खाने का सवाब इतना है जैसे के सबर के साथ रोजा रखना अल्लाह सुल्ला को शुक्र करने वाले इतने पसंद अच्छा उसके साथ साथ हमें अपनी जबान को अल्लाह साल के जिक्र से तर रखना चाहिए क्योंकि हमने ये आयत पढ़ी थी कि जिस दिन उस दिन जिसके अमालामा भारी होगा जिसका वजन भारी होगा वो लोग हैं जो कि फला पाएंगे तो मुस्तकिल बैठे हुए जिक्र करते रहा करें अच्छा इसके साथ साथ हमें तकबर से बचना चाहिए इसके बारे में हमने बड़ी सख्त अहदीस भी पढ़ी थी कि अल्लाह ने फरमाया कि ये मेरी चादर है और जिसने तकबर किया उसने मेरी चादर खींची ये बहुत 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 संगीन गुनाह है इससे बचना चाहिए अच्छा अब हम आज की अपनी आयत स्टार्ट करते हैं. या बनी आदम, ए आदम की औलाद हमने तुम पर लिबास उतारा आपको याद होगा हम जहाँ पे एंड किया था हमने हजरत आदम के और आ, शैतान का जो किस्सा था कुरान में हमने उस पे एंड किया था तो अब वहां से बात क्या स्टार्ट हो रही और उनके ये था कि उनके कपड़े उतर गए जब शैतान की बात मानी और वो अपने आप को जन्नत के के पत्तों से जो है वो दरख्त पत्तों से ढांपने लगे सो so, ए बदी ए आदम की औलाद हमने तुम पर लिबास उतारा जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपता धा, है यानी कि जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं और आरइश और जरपाइश का भी सबब है यानी कि आप खूबसूरत ब्यूटिफिकेशन आपको याद होगा हमने ये हदीस भी पढ़ी थी तकबर से रिलेटेड और जब अः एक सहाबी ने पूछा था कि क्या अच्छे कपड़े पहनना भी तकबर है तो आपने कहा कि नहीं अल्लाह साल को खूबसूरती पसंद है वो अल्लाह अल्ला खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद है तो अपने आप को अच्छे तरीके से प्रजेंट करना खुश लिबास होना इस्लाम में आ, इसको पसंद किया गया है क्योंकि आप ये देखें अल्लाह साल यहाँ पे फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा ताकि जो तुमने ढांपता है क्योंकि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरबों में भी ये चीज़ आ चुकी थी आजकल भी ये जो न्यूडिस्ट सोसाइटीज चल रही हैं कि उन्हें लगता है कि जो लिबास है ये तो एक तकल्लुफ है और इंसान जो है वो तो बगैर कपड़ों के पैदा किया गया है तो कि कपड़ों का, कपड़े पहनने की जरूरत ही क्या है या इवन जो राहिब थे उस वक्त पहले के दौर में उन्हें ये लगता था कि अच्छा जी इवन uh, अरबों में भी ये चीज़ शामिल हो गई थी कि वो खाना काबा का तवाफ करते थे कपड़ों के बगैर और इसको बिल्कुल ही औरतें भी मर्द भी बिल्कुल कपड़े उतार के कपड़ों के बगैर तवाफ किया करते थे और इस चीज़ को बहुत ही ऊंचा मुकाम समझा जाता था ये दौरे जहालीद का बता रही हूँ मैं तो इसको बहुत ही ऊंचा मुकाम समझा जाता था उन्हें लगता था कि बिल्कुल हम अपनी जो है ना हर दुनियावी नेसेसिटी और दुनियावी चीजों से ना बिल्कुल ही वो हम बस इबादत करें हालांकि ये चीज गलत थी ये ये जो तक, वो कहते कि इस तक की जरूरत ही क्या है लेकिन अल्लाह सुबह क्या फरमा रहे हैं कि आदम, हमने, ए, ए, आदम की हमने तुम पर लिबास उतारा है नाजिल किया है जो तुम्हारी शर्मगाहों को ढांपता है और रशाइश का सबब भी है ذلك من آيات الله لعلهم और इससे बढ़कर का लिबास जो है वो सबसे बेहतर है यानी कि अल्लाह का खौफ है तो वो सबसे बेहतर लिबास है क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि इंसान लिबास पहन के भी अगर तकवा नहीं है तो वो कपड़े जाहिर तौर पे पहने हुए होते हैं लेकिन वो इतने तंग या इतने बारीक होते हैं कि वो आ, पर्पस पूरा नहीं कर रहे होते जरूरत जो है असल जो लिबास जो आपको ढांपने के लिए बनाया गया है वो उसकी अः अपना मकसद पूरा नहीं कर रहे होते जैसे, जैसे कि रसूल ने लानत फरमाई उन औरतों पे जो कि लिबास पहन कर भी नंगी होती और हम ये देखते हैं हम ये हमारे लिए चीज कोई ऐसी नहीं है कि इसका क्या मतलब है आयत का ये बिल्कुल इस, इस हदीस का क्या मतलब है क्योंकि आज औरतें इतने तंग लिबास हती के इतने तंग अबाए पहनती हैं ये उनकी जिस्म के हर जो है खतुखाल उनकी जिस्म की हर उताव चढ़ाव जो है वो साफ नजर आ रहा होता है तो इस, उस लिबास का क्या फायदा है तो इसलिए तकवे का लिबास ज़रूरी है यानी कि इंसान जो लिबास वो पहने उसमें तकवा भी शामिल हो और इससे बढ़कर तकवे का लिबास है जो सबसे बेहतर है ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि लोग नसीहत अखस करें या बनी आदमा। لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا لِيُرِيَهُمَا سوءاتهما. أي بني آدم دیکھو اب شيطان تمه فتنة من نار دالنه جيسي كي تمهار والدين کو اسنه جنة سے نكلوا دياتا और इसने उतरवा दिया था इनसे इनका लिबास ताकि इन पर आया कर दे इनकी शर्मगाहें इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जब आप शैतान की बात मानते हैं उसने ये तो नहीं कहा था कि अपने कपड़े उतार दो उसने तो कहा था ये जन्नत का फल खा लो है ना यानी कि ऑर्डर तो उसने एक बड़ा सिंपल सा दिया था कि ये चीज खा लो लेकिन हुआ उसका इम्पेक्ट क्या तो हमारे लिए क्या चीज इसके एक्शन क्या है क्या एक्शन है हमारे लिए क्या हुआ था जब उसने फल खाने के लिए कहा था नाफरमानी नाफरमानी की थी और उस नाफरमानी का नतीजा क्या निकला था अल्लाह हैं कि उनकी शर्मगाहें एक दूसरे के सामने आ वो तो उसको फौरन ढकने लगे थे आजकल क्या हो रहा है बेहयाई पे है देखते है ना हम उनके इर्द गिर्द सारे टिकटॉक्स देख लें व्हाट्सएप के जो मैसेजेस आ रहे होते हैं उसको देख लें आ, सोशल मीडिया पे जितनी भी ट्विटर वगैरह है इवन जो यूट्यूब शॉर्ट्स है क्या हो रहा है उसमें जो बात मान रहे होते हैं शैतान की उन्होंने उनके कपड़े कम से कम तर होते चले जा रहे होते हैं तो हमारे लिए एक्शन ये है कि अगर हम शैतान को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए हम शेमलेसनेस की तरफ से बेहयाई की तरफ चलते चले जाते हैं और फिर क्या होता है कि हम सिर्फ बजहरी जाहरी तौर पे जो सिर्फ ये चीजें देख रहे होते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आ, जिस तरह आप एक कुएं में डोल डालते हैं ना और आहिस्ता आहिस्ता खींचते हैं शैतान भी इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने आपको, अप, आपको अपनी तरफ खींचता है पहले वो इन सोशल मीडिया की साइट्स पे से जो छोटी मोटी बेहूदा वीडियोस है पहले वो दिखाएंगे पहले इस किस्म की चीजों की तरफ जाएंगे और होते 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 इंसान एक बड़ी नाफरमानी कर बैठता है बड़े गुनाह का इरतकाब कर बैठता है इन्नहु यराकुम हुआ वकबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम और इसकी यानी कि इसके साथी जो जो, जो, जो शैतान जिसने अपनी कयामत तक की जिंदगी मानी मांगी थी वो शैतान खुद अस खुद क्योंकि वो मरा नहीं है उसने क्यामत तक की जिंदगी मांगी हुई है और उसकी जरूरीत उसकी औलाद उसके जो अः साथी है यकीनन वो और उसकी जरूरत वहां से तुम्हें तुम पर नजर रखते हैं जहां से तुम इन्हें नहीं देख सकते अल्लाह साल बेहतर जानते हैं इस, इस बात का क्या मतलब है लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि वो हमें वहां से ताकते हैं जहां से हम उन्हें नहीं देख सकते हमने तो शायतिन को इन लोगों का दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते जाहिर सी बात है मक्खी जो है वो पर ही जाके बैठती है तो कौ, कौन लोग उसके दोस्त बनेंगे जो खुद ईमान नहीं लाते واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا يامر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون और जब ये लोग कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने पाया है यही कुछ करते हुए अपने अबाओ अजदाद को यानी कि जब वो बिल्कुल ही कपड़े उतार के तवाफ के कर रहे हुआ करते थे तो कहते थे हमारे अबाओद भी इसी तरह क्या करते थे हमने तो उनको करते हुए देखा है और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है बी सी बात है वो कर रहे थे तो उन्होंने अल्लाह ने हुक्म दिया होगा तो वो कर रहे आप ये देखिए माँ बाप का रोल कितना इम्पोर्टेंट है अबाऊ अजदाद का रोल कितना इम्पॉर्टेंट है इससे एमी तो नहीं है कि उनसे उनसे भी सवाल किया जाएगा क्योंकि ये भी एक चेन रिएक्शन है जैसे सदका जारिया होता है ना कि बाद तक चलता रहता है इसी तरह ये गुनाह के भी इसी तरह काम चलते रहते हैं तो माँ बाप दादा दादी नाना नानी इन लोगों का इर्द गिर्द मामू पुप्पो खाला चचा, ताया इनके रोल कितने इंपॉर्टेंट है आप ये देखें एज अ रोल मॉडल और जब ये लोग कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने पाया है यही कुछ करते हुए अपने अबाव अजदाद को और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है ए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि अल्लाह ताला बेहयाई का हुक्म नहीं देता तो क्या तुम अल्लाह की तरफ मंसूब कर रहे हो वो कुछ जिसे जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं कुल كما आप सलम कहिए कि मेरे रब ने तो हुक्म दिया है इंसाफ और अदल और तवाजुन का और अपना रुख सीधा कर ले कर लिया करो हर नमाज के वक्त और इसी को पुकारो इसके लिए अपनी अतात को खालिस करते हुए देखें जब दुआ की जाती है ना तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंसान अपनी तरफ से हंड्रेड परसेंट दे रहा हो दीन को अल्लाह तआला की अतात को जब आप दुआ मांग रहे हैं तो इस चीज के बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम भी तो यकसू हों अल्लाह ताला की इबादत में अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करें एटलीस्ट गताहियां गलतियां सबके साथ सबसे होती हैं हम सबसे होती हैं जैसे इसने तुम्हें पहले पैदा किया था इसी तरह तुम दोबारा भी पैदा हो जाओगे अल्लाह सुब्हानहु व के लिए चीज कोई मुश्किल नहीं है फरीकान हदा व फरीकान हक्का अलैहिम अदलाला इन्नहु मुत्ताखिज़ुश शयआतिना औलियाए मिन दूनिल्लाह एक को इसने हिदायत दे दी है और एक ग्रोह वो है जिसके ऊपर मुसल्लत हो चुकी है और ये इसलिए कि इन्होंने शै शैतानों को अपना साथी बना लिया अल्लाह को छोड़कर और समझते हैं ये है कि हम हिदायत पर हैं या बनी आदम वला ला अब वो जो हमने सब, आ, सबसे पहले बात पढ़ी है कि हम ये जाने कि अल्लाह चीज़ पसंद है और क्या चीज नहीं पसंद है तो इसमें क्या आ रहा है कि अल्लाह सफ करने वाले यानी कि जरूरत से ज्यादा चीजों पर खर्च करने वाले पसंद नहीं है ए आदम की औलाद अपनी जीनत इस्तवार कर किया करो यानी कि जो जीनत क्या है जो लिबास है आपका जो जो अच्छा वाला लिबास है हर नमाज के वक्त यानी कि हमारे यहाँ क्या होता है कोई ऐसी गुजरी मुचरी सी चादर निकाली लपेटी फटाफट नमाज पढ़ ली ख़त्म हो गया हाँ बाहर जाने लगे हैं तो सबसे बेहतरीन स्त्री हुई चादर होगी या सबसे बेहतरीन स्त्री तर, हुआ हुआ अबाया होगा वो निकाला जाएगा वो पहना जाएगा और फिर आप बाहर जाएंगे हालांकि अल्लाह साल क्या कह रहे हैं ए आदम की औलाद अपनी जीनत इस्तवार किया करो या जीनत यानी कि जो बेहतरीन तुम्हारा लिबास है जीनत उतारी गई है यानी कि अच्छे तरीके से ड्रेसअप हुआ करो जब आप अपने किसी बड़े इंसान से अपने जहन में बड़े इंसान से जब दुनियावी तौर पे मिलने जाते हैं तो आप अच्छे से ड्रेसअप होके जाते हैं या किसी घर किसी के घर भी मिलने उससे जाते हैं या कोई आपके घर आ रहा हो तो आप सबसे अपने अच्छे कपड़े निकालते हैं साफ सुथरे निकालते हैं आप बड़े प्रेजेंटेबल बनते हैं लेकिन नमाज के लिए हमारा मामला ये नहीं है तो अल्लाह साल बायदा हमें इस चीज़ की ताकीद करें कि आदम की औलाद अपनी जीनत इस्तवार यानी कि पहन लिया क्या करो हर नमाज के वक्त फिजा आप कुछ पूछना चाह रही हैं जैसे रमजान में तरावियों के वक्त जैसे रमजान में तरावियों के वक्त बिल्कुल सही कहा आपने हर नमाज के वक्त और खाओ और पियो यानी कि जो अल्लाह तआला ने नीनती दी है उसमें कोई मना नहीं है कोई वो नहीं है कि इंसान किसी गिल के साथ खाए अल्लाह तआला फरमा रहे हैं कि और खाओ और पियो अलबत्त इस ना करो यानी कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज ना हो हमारे यहाँ दावतें होती हैं तो वो बड़ी डिशेस की मेज सजती है मैं आपको बताती हूँ टीचर है उनसे मैं इतनी इंस्पायर हुई मैं आपको बता नहीं सकती ये वाक्य मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी मुझे अभी भी याद आया हम कहीं किसी के घर जाते हैं तो इतना ज्यादा एहतमाम किया जाता है कि उसके घर जाने वाले के ऊपर भी बेचारे के ऊपर बोझ होता है और जिसके घर जो आपके घर गया होता है उसके ऊपर भी फिर एक बोझ होता है कि भाई मेरी वजह से इतनी दिक्कत उठानी पड़ी और अगली दफ़ा जब आप बुलाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है आपसे भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप भी उतने अहतमाम करें मेहमान नवाजी बिल्कुल बेशक है और यह हज़रत इब्राहिम की सुन्नत है हमारे दीन में इसको इसकी ताकीद दी गई है लेकिन इस राफ अल्लाह साल को पसंद नहीं है तो मैं ये क्विकली ये बात आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी कि Uh, मैं अपनी मेरी जो uh, उस्ताद है वो टीचर है वो उनके घर पे मैं गई तो मैंने उनसे पहले से कहा मैंने कहा मैं आपके इंशाल्लाह घर आऊंगी लेकिन प्लीज कोई आप तकल्लुफ मत कीजिएगा तकल्लुफ मत कीजिएगा उन्होंने कहा नहीं, नहीं तुम फिक्र नहीं करो तुम बस आओ मैं कोई तकल्लुफ नहीं कर रही तुम तुम आओ मेरे घर तो मैं और माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी वेल ऑफ फैमिली है माशाल्लाह खैर मैं उनके घर गई लेकिन वो कुरान पढ़ाती हैं और ग्रामर पढ़ाती है तफसीर माशाला के भी कोर्सेज कराती हैं तो खैर मैं उनके घर गई तो उन्होंने अब मैं जाके बैठी हमने बातें शुरू की उसके बाद उन्होंने फोन उठाया तो उन्होंने जो है बिल्कुल अपने घर के करीब ही बिल्कुल किसी कॉर्नर शॉप से कोई मतलब कोई बड़ी शॉप नहीं कुछ ऐसा नहीं उनसे कहा कि दो सैंडविच भेज दें और अच्छा आप कोई ड्रिंक लेंगी उन्होंने मैंने ड्रिंक बता दी उन्हें अच्छा ये बस ये ड्रिंक भी भेज दीजिएगा फिर हमबेड के बातें करने लगे थोड़ी देर बाद वो अः बेलबजी ऑर्डर आया उन्होंने वो ऑर्डर मेरे सामने रखा खुद के लिए रखा और मैं आपको बता नहीं सकती मुझे इतनी खुशी हुई और उनका उनके घर जाना मेरे लिए आसान हो गया उसके बाद मैंने उनका शुक्रिया अदा किया बाकायदा मैंने कहा आपने मेरे लिए आसान कर दिया अपना घर आना लोग जो है ना एक दूसरे के इन तकल्लुफात की वजह से ना इसराफ की वजह से एक दूसरे के घरों में जाते हुए घबराते हैं कि इतना वो अहतमाम करेंगे फिर वो हमारे घर आएंगे तो हमें भी इतना अहतमाम करना पड़ेगा क्यों भाई आप सादगी के साथ भी तो लोगों की अच्छी मेहमान नवाजी कर सकते हैं क्या जरूरत है कि इतनी बड़ी टेबल ही सजाई जाए आप यकीन करिए कि मुझे इतना मजा आया हम दोनों ने बैठ के बातें की और हमने वो जो सैंडविच उन्होंने मंगवाए थे वो खाए और हम कोई ना उनके ऊपर कोई मुश्किल आई ना मेरे ऊपर तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं कुछ हद तक कोशिश करती हूँ कि मैं ये चीज जरूर अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने लग गई तो ए आदम की औलाद अपनी जीनत इस्तेवाल किया करो हर नमाज के वक्त और खाओ और पियो अलबा इसराफ ना करो यकीनन वो इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता यानी कि हमें खास कर हिदायत दी जा रही है कि हम अल्लाह की तीनतों को जो है इंजॉय करें लेकिन एक बाकायद तौर पर तोज़ुन बरकरार रख रखें और नमाज के वक्त अच्छे से ड्रेसअप होने की बाकायदा हमें ताक़ीद की जा रही है लेकिन इसके साथ, साथ आपको एक फ़ीची चीज में से कई बच्चे अक्सर पूछते हैं आ, मैं ये हदीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जैसे मर्दों के बारे में आ, जो हुक्म है वो ये है कि अः सबसे जो लीस्ट कम से कम जो है ना वो ये जरूरी है कि वो अपने जब नमाज के लिए खड़े हों क्योंकि सी बात है गुर्बत भी है हर तरह के लोग दुनिया में है तो एट नाव से घुटने तक जो है यानी कि जो नेवल है वहां से और घुटने तक जो है वो उनका कवर होना मस्त है और अगर वो अपने शोल्डर्स भी ढक लें तो वो और भी बेहतर है और हजरत आयशा से मैं जो औरतों के लिए खास कर ये चीज़ शेयर करना चाहूंगी कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज में कई मुसलमान औरतें अपनी चादरें ओढ़े हुए शरीक नम, शरीक नमाज होती फिर अपने घरों को वापस चली जाती थी इस वक्त इन्हें कोई पहचान नहीं सकता था इस हदीस से बहुत से स्कॉलर्स ने ये चीज़ निकाली है कि औरत जब घर में नमाज पढ़ी है बाहर तो ऑब्वियसली उसने पर्दा करना ही है लेकिन तो इतनी, मतलब उस वक्त वो इतनी कवर्ड होती थी कि वो पहचानी नहीं जाती थी पूरी सर से पांव तक वो इतनी कवर्ड होती थी लेकिन इस चीज़ से ये भी चीज निकाली गई है कि इवन अगर घर में भी औरत जब नमाज पढ़ रही है तो उसके हाथ और पांव भी कवर्ड हो सिर्फ चेहरा खुला हो और हाथ और पांव उसके कवर्ड हो ये बहुत से बच्चे उन्होंने मेरे से पूछा था तो मैंने सोचा कि मैं जरूर हदी शेयर करूँ आगे चलते हैं

خالصه يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون आप कह दीजिए ये तमाम चीज़ें दुनिया की जिंदगी में भी अहिल ईमान के लिए हैं और यानी कि दुनिया की जिंदगी में अहले ईमान के लिए है और और नॉन मुस्लिम्स को भी अला ने अदा की हुई है और क्यामत के दिन तो ये खालिसतन यानी कि प्योरली स्पेशली सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के लिए होंगी जो यानी कि ईमान वाले हैं इसी तरह हम अपनी आयात की वजाहत करते हैं इन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسماء والبغي بغير الحق ذکی بار بار اتا ہے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام فرما دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو خواہ وہ علانیہ ہو اور خواہ چھپی ہوئی ہو اور حرام کیا ہے اس نے گناہ کو اور ناحق زیادتی کو یعنی کہ کسی کے ساتھ जो है किसी का नाहक माल खाया जाए या किसी के साथ ज्यादा की जाए और ये भी हराम ठहराया है कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ किसी ऐसी चीज को जिसके लिए इसने कोई सनद नहीं उतारी और ये भी कि तुम अल्लाह की तरफ मंसूब करो वो चीज जिसका तुम्हें तुम इल्म नहीं रखते जैसे कि हमने आ, पहले शेयर की थी जो अल्लाह साल ने हमें नसीहत की थी करने के लिए इसी तरह मैं चाहूंगी कि हम इस लिस्ट को भी देखें जो कि अल्लाह सब ने हराम की है और वो क्या है कि बेहयाई की बातों को अल्लाह साली ने हराम किया है ख्वा व ऐलानिया हो यानी कि सबके सामने की जाओ जा रही हो बेहयाई या ख्वाब छुपी हुई हो चाहे आप अपने बंद कमरे में कोई बेहियाई कर रहे हैं अल्लाह सब क्योंकि अल्लाह सब्लाना तला से कोई चीज छुपी भी नहीं है वो जानते हैं कि आप रात की तारीकी में अपने बेड के नीचे बैठ के क्या देख रहे हैं क्या कर रहे हैं तो अल्लाह सल्लन तला ने बेहिई की बातों को ख्वाब ख्वालानिया हो ख्वाब छुपी हुई हो इसको हराम करार दिया है और गुनाह को और नाहक ज्यादती को और ये कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ किसी ऐसी चीज को जिसके लिए इसने कोई सनद नहीं उतारी

और हर कौम के लिए एक वक्त मिन है फिर जब इनका वो मुकर वक्त आ जाएगा तो इनके एक घड़ी पीछे हट सकेंगे ना आगे की तरफ से, से रख सकेंगे यानी कि ये नहीं है कि जब अजाब के लिए कहा जाता है तो उन उनके कहने पर अजाब लिया जाए नहीं एक वक्त मुकर है हर कौम का जब वक्त आ जाएगा तो एक मिनट ना आगे ना एक मिनट पीछे या बनी आदमा। إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون इस आयत को कौन एक्सप्लेन करेगा ये आयत हमने बहुत दफ़ा अपनी पढ़ी भी है और अपनी और आयत की एक्सप्लेनेशन में भी मेंशन की है मैं चाहती हूँ आप में से आज कोई इसको एक्सप्लेन करें बड़ी सिंपल सी है ए बनी आदम जब भी तुम्हारे पास आए रसूल तुम ही में से जो तुम्हारी तुम्हें मेरी आयत सुनाए तो जो कोई भी इनकी दावत के जवाब में तकवे की रविश अख्तियार करेगा यानी कि जब भी तुम्हारे पास मैसेज पहुंच गया जो भी तुम्हारे लिए तुम्हारे पास रसूल मतलब यानी कि मैसेज वैसे तो नबी करीम अलैहि वसल्लम वहाँ पे मौजूद थे हमारे दर दम्या, हमारे दरमियान आज अहादीस की शक्ल में नबी करीम वसल्लम के अहकाम हमारे पास मौजूद हैं तुम्हारे पास मेरी आयत है तो जो कोई भी इनकी दावत के जवाब में तकवे की रविश अख्तियार करेगा और इसलाह कर लेगा तो इनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना वो किसी गम से दो चार होंगे बड़ी सिंपल आयत है आपके पास जब भी मैसेज पहुंचा आपने उसी वक्त अपनी इसलाह कर लीजी इसमें एक चीज पॉइंट आउट करने वाली बात है मैं चाहती हूँ आप लोग करें और जो हमारी आयत को झुटलाए झुटलाएंगे और तकबुर के बिना पे इन्हें रद्द करेंगे वही जहनुमी होंगे इसी में वो हमेशा रहेंगे खास कर झुटलाने के साथ अल्लाह किस चीज को मेंशन किया है एग्जैक्टली यानी कि इंसान अपने तकबुर में आकर हक को झुटला दे तकबुर ऐसी चीज है क़र लाश मानता है आप ये देखें ये चीज़ बार हाँ शैतान के मामले में भी ये कहा था कि उसने बात नहीं मानी और उसने तकबुर किया और जो कोई हमारी आयत को झूठ और तकबुर के बिना पे इन्हें रद्द कर देंगे वही ही होंगे इसी में वो हमेशा रहेंगे चलते पमन أظلم مما نفترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم फिर इस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की तरफ कोई गलत बात मंसूब करे कई दफा हमारे यहाँ बड़ा ये कॉमन होता है इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड हुए होते हैं या कोई भी इंसान उठा के ये कह देता है कि कुरान में लिखा हुआ है जैसे कि उस दिन अम्म आप में से एक बच्ची ने शेयर किया कि उन्होंने कहा कि जी कुरान में ये लिखा हुआ है कि जब धूप और बारिश इकट्ठी होती है तो जिनों की शादी हो रही होती है ये कहा मतलब इस तरह की बात अल्लाह साल से मनसूब कर देना क्योंकि कुरान तो अल्लाह का कलाम है तो आप ये, ये कह देंगे कुरान में लिखा हुआ है यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह सोल्ला ने यह फरमाया फिर शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की तरफ कोई गलत बात मंसूब करे या इसकी आयत को जुटलाए लेकिन दुनिया में इनको मिलता रहेगा यानी कि ये नहीं है कि फौरन ही किसी ने बात नहीं मानी या रद्द किया तो फौरन ही एक बिजली आसमान से आई उसको जला के खाक कर दिया गया नहीं एक वक्त मुन है हर कौम का हर इंसान का एक वक्त मिन मौ, है तय हुआ हुआ है इनको मिलता रहेगा इनका हिस्सा इसमें से जो इनके लिए लिखा गया है यहाँ तक कि जब इनके पास हमारी भेजी हुए फरिश्ते आ जाएंगे यानी कि जब उनका वक्त आ जाएगा तब तक उनके पास टाइम है يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ولوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين यानी कि जब फरिश्ते आ जाएंगे इनकी रूहों को कब्ज करने के लिए तो वो कहेंगे कि कहाँ हैं वो जिनको तुम पुकारा करते थे अल्लाह के सिवा वो कहेंगे कि वो सब तो हमसे गुम हो गए और वो खुद अपने खिलाफ ये गवाही देंगे कि वाक वो काफिर थे उस दिन तो कोई झूठ नहीं बोल सकेगा जब सारे पर्दे हट जाएंगे क्योंकि सारा इम्तिहान जो है वो है वो ही गैब पे ईमान का और जब सारे पर्दे हट जाएंगे तो उस दिन तो फिर तो कोई झूठ नहीं बोल सकेगा दखलत उम्मतुल लानत कहा जाएगा अच्छा शामिल हो जाओ जिनो इंसानों की इन उम्मतों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं आग में दाखिल होने के लिए जब भी कोई उम्मत जहन्नुम में दाखिल होगी तो वो अपने जैसी दूसरी उम्मत पर लानत करेगी आप ही देखिए कि हमें एक तरफ जब हमने पिछली आयतें पढ़ी हैं वहां पे हजरत आदम यानी कि हजरत आदम की जो बिगिनिंग उनका जो किस्सा हमने पढ़ा था यानी कि हमारी हमारी बिगिनिंग जो आदम की बिगिनिंग थी उसकी बात हो रही है और साथ ही ये एंड ये फ्यूचर हमें बताया जा रहा है हत्ता هؤلاء أضلون فاتهم عذابا دعفا من النار قال لكل دعفا ولكن لا تعلمون يहांत जब इसमें से गिर चुकेगे सब के सब तो इनके पिछले यानी कि यही लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया यानी कि जो बाद में आए आए थे वो अपने अगले यानी कि पहले जो गुजर चुके थे उनके बारे में कहेंगे कि इन लोगों ने हमें गुमराह किया था ये सब कुछ हमें कहकर कह गए कह थे तो इनको तू दुगना अजाब दे यानी कि इन ये जो रस्में छोड़ के गए थे हमने तो बस वही फॉलो किए तो इन्होंने हमें गुमराह किया है अब आप इन्हें दुगना अजाब दे अल्लाह अल्लाह सुनाना ताल फरमाएगा तुम सबके लिए ही दुगना अजाब है लेकिन तुम्हें इसका शऊर नहीं है وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اور ان से कहेंगे यानी कि जो पहले गुजर चुके थे वो आने वाले नए जो लोग होंगे आ रहे होंगे में, उनसे कहेंगे कि तुम्हें भी तो हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं हो सकी यानी कि तुम बाद में आए हो, तो तुम्हें भी तो उतना दुगना ही असम मिल रहा है लिहाजा आप चखो मजा आजाब का अपनी करतूतों के बदले में यकीन जिन लोगों ने हमारी आयात को जुटलाया और तकबुर की बिना पर इनको रद्द कर दिया ज्यादातर यही होता है देखिए आप ये बहुत सारे लोग इवन जो अबू जहल भी था अबू लहाब भी था उस वक्त वो अबू जहा ये कहा करता था मुझे पता है ये सही नबी है लेकिन अगर इनकी बात मान ली तो हमारी चौधराहाट खत्म हो जाएगी हम सरदार हैं हमारी हम फिर कहाँ जाएंगे इव, उसने जो बनी इसराइल थी वो तकबर में ये था कि सारी तो हमारे में से आए तुम तो तो में से कहाँ से आ गए नबी रसूल हमारी उसमें से आर्मी से भेजे गए हैं अभी बनी इसमाइल में से कैसे गए ये क्या है ये तकबर है यकीन जिन लोगों ने हमारी आयात को जुटलाया और तकबर की बिना पर इनको रद्द कर दिया इनके लिए आसमान के दरवाजे कभी नहीं खोले जाएंगे ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين बल्कि मुझे एक इस पर बात याद आई जिन स्कॉलर की मैं तफसीर सुन रही थी उन पे, उन्होंने कहा कि इससे लगता ये है अल्लाह सुबहान तौला बेहतर जानते हैं लेकिन जहरी तौर पर आयत से लगता है ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे कि जो जहनुम है वो इसी जमीन पर उस तरह से होगी कि जब ये जमीन के लावा और ये जो वो सारी चीजें हैं जब ये जमीन बिल्कुल फ्लैट कर दी जाएगी सपाट कर दी जाएगी तो वो लावा उगलेंगे और वही जहन्नमु होगी वह वालम सुबह तहतर जानते हैं लेकिन इन चीज़ों से क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उन्हें आसमान के दरवाजे उनके लिए कभी नहीं खोले जाएंगे तो अल्लाह भी रहमत के दरवाजे भी तो हो सकते हैं ना अल्लाह की रे... बेटे उस वक्त तो हिसाब का दिन हो रहा होगा अच्छा जब की बात है हाँ ओके ओके क्योंकि ये है ना यकीनन जिन लोगों ने हमारी आयत को झुटलाया और तकब्बुर की बिना पर इनको रद्द कर दिया इनके लिए आसमान के दरवाजे कभी नहीं खोले जाएंगे और जो इससे पहले बात ये हो रही है ना क्यों इनसे इनसे इनके अगले पिछले ये कहेंगे दुगना जवाब दिया जाएगा ये जो सारी उस उसी चेन में बात हो रही है ओके okay. और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे यहाँ तक के ऊंट सुई के नाके में से गुजर जाए यानी कि ना ही ये चीज पॉसिबल है कि ऊंट जो है वो सुई के सुराख में से गुजर जाए और इसी तरह ना ही ये पॉसिबल है कि वो जन्नत में चले जाए ये इतना ही इम्पॉसिबल है उन लोगों का जन्नत में जाना और इसी तरह हम बदला देते हैं मुजरिमों को इनके लिए जहन्नम ही का बिछोना होगा और ऊपर से इसी का ओढ़ना होगा अल्लाह सर सुबह ना फरमाए और इसी तरह हम को बदला देंगे मैं ये चाहूंगी ये, ये जो दुआ है ना ये बड़ी मशहूर है अल्लाजानी नार्ला हमें आग से बचाए जहान उनकी अजाब से बचाए तो ये दुआ याद क्या करें और पढ़ा करें एक दुआएं जो है ना बहुत स्पेशली जो कुरान uh, की और जो सुन्नत की दुआएं हैं वो बड़ी uh, कई तो बहुत ही छोटी सी और बड़ी ही आसान है uh, याद करनी तो ये वैसे ही इंसान बैठा हुआ जिक्र करता रहे जहानुम की आग से अल्लाह सल की पनह मांगनी चाहिए हमें हफाजत मांगनी चाहिए इसलिए ये बड़ी छोटी सी दुआ है इसे याद करना चाहिए जर्नी में नन्नार्मर जरनी में नन्नार् जर्नी में आज का हमारा लेसन यहीं तक हम अपने की एक्शन देख लेते हैं कि शैतान आपको हम सबको इन ख्वाहिशात को गलत तरीके से पूरा करने के लिए बस वसे डालेगा जो बेहयाई के बायस की वजह बनती है तो हमें इस चीज से बचना चाहिए उसका हुक्म मानने का नतीजा निकला था कि उनके लिबास उतर गए थे तो यानी कि जो जो इंसान शैतान की तरफ खिंचता चल जाता है ना वो आपको बेहयाई का हुक्म देता है वो आपके कपड़े उतारना शुरू कर देता है कम लोग मुख्तर तरीन लिबास में आना शुरू कर देते हैं या ऐसे लिबास पहनने शुरू करते हैं कि वो पहन के भी नंगे होते हैं अल्लाह की नीम तो से हो लेकिन इसराफ ना करें तोन बरकरार एक बैलेंस मेंटेन करें कपड़े इंसान को अच्छे लगते हैं आप कपड़े खरीदते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है कि उन्होंने बात उस वक्त जो है दूसरे मुल्कों के लिबास भी पहने हैं और आपने बड़े अच्छे जो है लिबास भी पहने हैं लेकिन इसमें इसराफ नहीं जरूर हद से नहीं बढ़ जाना चाहिए जैसे कि आजकल लाखों रुपए के कपड़े चार चार साढ़े चार चार, चार, चार लाख के ड्रेसेस बन रहे हैं पाँच पाँच लाख के मतलब ये तो ये इसराफ है आप अच्छा लिबास पहने इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन जरूरत से ज्यादा इसके ऊपर खर्च ना करें जहनम की आग से अल्लाह सुबहान तला की हिफाजत के लिए दुआ सीखे जो अभी हमने पढ़ी है इसको शामिल करने की कोशिश करें अपनी दुआओं में सुबह का